हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की स्टूडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट मींस क्या होता है, उसके बारे में उसके टाइप्स बताऊंगा और उसका मैकेनिज्म भी जो है पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडियो में। तो बने रहे स्टूडियो के साथ। दोस्तों मेरा नाम है तिलक, आप देख रहे हैं एडवांस रीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए हम अभी पढ़ते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटालिस्ट का डीएक्टिवेशन कैसे होता है देखते हैं। कैटालिस्ट क्या है? जो एनहांस करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, बट उसका भी डीएक्टिवेशन होता है। डीएक्टिवेशन कैसे होता है? कैटालिस्ट डीएक्टिवेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी लॉस होती है कैटालिस्ट सरफेस आइदर बाय द इट्स प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द रिएक्टिंग एनवायरमेंट। उसका कौन से रिएक्शन के एनवायरमेंट में वर्क हो रहा है उससे उसकी एक्टिविटी का लॉस होता है, और बाय द हायर टेम्परेचर से भी होता है, और बाय द डिपोजिशन ऑफ पॉइजनस मटेरियल, और द टर्म्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द फीड स्ट्रीम, इससे भी होता है। तो अभी हम एक एक करके इसके टाइप्स देखते हैं दोस्तों कि डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट के टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन, इसके टाइप्स है दोस्तों। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तो पहला टाइप क्या है? सिंटरिंग। सेकंड है पोकिंग, उसको फॉलिंग भी बोलते हैं। और थर्ड है, थर्ड क्या है? पॉइजनिंग। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 4 मार्क के लिए पूछेंगे ही पूछेंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट टाइप से हम देखते हैं कि कैटलिस्ट का डीएक्टिवेशन कैसे होता है। पहला टाइप है सिंटरिंग। सिंटरिंग इसका होता है कैटलिस्ट सरफेस गेट्स डीएक्टिवेटेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। अभी मान के चलिए कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का जो सरफेस है उस पर क्या होता है? होता है एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। उस पर एक्सपोजर होता है हाई टेम्परेचर का, दैट रिजल्ट्स इन एग्लोमरेशन ऑफ द कैटलिस्ट डिपॉजिटेड मोटर्स ऑन द डीऑक्स एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स। उसकी जो एक्टिव साइट्स है उस पर डीएक्टिवेशन होता है ड्यू टू लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द फास्ट प्रोसेस इट्स इज सिंटरिंग। ये फास्ट प्रोसेस है सिंटरिंग जो डीएक्टिवेट करता है कैटलिस्ट। मतलब इसमें सिंपली क्या होता है, जो उसके एक्टिव साइट से उस पर अफेक्ट करता है ड्यू टू टेम्परेचर से, यही है सिंटरिंग। अभी देखते हैं कोकिंग। कोकिंग मींस क्या होता है? कोकिंग को क्या बोलते हैं? फॉलिंग बोलते हैं। फॉलिंग किससे होता है? सो ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। भी मान के चलिए एक सर्कुलर कौन सा भी ये है, बट इस पे जो है कार्बोनेशियस मटेरियल अगर इस पे एक्ट हो रहे तो इसको क्या बोलेंगे? कोकिंग। फॉलिंग भी बोलते हैं उसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोकिंग मींस क्या होता है? डिपोजिशन, उस पे जमा हुआ कार्बोनेशियस मटेरियल। सो द लॉस ऑफ एक्टिविटी कैटालिस्ट सरफेस ड्यू टू टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ द कैटालिस्ट। दिस कार्बोनेशियस मटेरियल दैट इज बाय द बर्निंग प्रेजेंस ऑफ द एयर ऑफ स्टीम। इसको क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं हटाने के लिए कार्बोनेशियस मटेरियल को, उसको बोलते हैं कोकिंग। अभी पॉइजनिंग मींस क्या होता है? पॉइजनिंग मींस क्या होता है? टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है ड्यू टू द केमिस्ट एडसॉर्प्शन। केमिस्ट ऑप्शन बोलते हैं उसको। ड्यू टू इन दिस वे द रिएक्टेड ऑन द प्रोडक्ट इम्प्यूरिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉइजनस मटेरियल। अभी कुछ अगर आप मान के चलिए एक कैटालिस्ट, बट इस पर क्या हो रहा है? रिएक्शन होने से उस पर पॉइजनस मटेरियल एक्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग मटेरियल। एक्ट होने से उसको पॉइजनिंग बोलते हैं। गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे वो हो जाते हैं ड्यू टू रिएक्शन एंड नेम इट इज स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है। सो अभी इसके हम देखते हैं मैकेनिज्म्स। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म्स भी पढ़ते हैं। तो मैं इसको अभी क्लीन करता हूँ और आपको मैकेनिज्म्स को भी समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो उसके जो मैकेनिज्म है, अभी
अभी कैटलिस्ट का डीएक्टिवेशन होता है, बस उसका मैकेनिज्म्स क्या है तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला है पैरेलल, पैरेलल है सीरीज है, साइड बाय साइड और इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, पैरेलल, सीरीज, साइड बाय साइड और इंडिपेंडेंट, ये चार चार है, पर अपन तीन इसमें से मेरे जो पढ़ेंगे। ये पैरेलल डीएक्टिवेशन मींस क्या होता है, पैरेलल डीएक्टिवेशन, पैरेलल डीएक्टिवेशन मींस क्या होता है, इन दिस केस द डीएक्टिवेशन साइड प्रोडक्ट गेट फॉर्म, उसमें क्या होगा, एक साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर क्या होगा, डिपोजिटेड ऑन द कैटलिस्ट, ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस पे वो बैठेगा, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो एग्यूस आर, एग्यूस आर बट एग्यूस पी, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल डीएक्टिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये मैकेनिज्म भी बताना है एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे कहीं पे जाके। सो द रेट ऑफ पैरेलल डीएक्टिवेशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, ये क्या है, किस पे डिपेंड रहता है, कॉन्सेंट्रेशन, जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है पैरेलल डीएक्टिवेशन। मैं और एक बार समझाता हूँ, इन केस ऑफ पैरेलल डीएक्टिवेशन द सॉल्व द साइड प्रोडक्ट्स गेट फॉर्म, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैटलिस्ट सरफेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो डिपॉजिट होगा फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल डीएक्टिवेशन। अभी देखते हैं साइड डी, सीरीज डीएक्टिवेशन, सीरीज डीएक्टिवेशन में क्या होगा, इस सीरीज डीएक्टिवेशन रिएक्टेंट्स रिएक्टेड टू फॉर्म गेट प्रोडक्ट विच फर्दर रिएक्ट्स टू फॉर्म पॉइजनस मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल होगा रिएक्ट होने के बाद दूसरी बार, तो which can be represented as, इसको मैं represent कर रहा हूँ उसको, A gives R, R gives P, यही है, तो क्या होगा, reactant जो form होगा product, product का formation किससे होगा, poisonous material से, उसको बोलते हैं series deactivation, so the rate of reaction depends on the concentration of the product, concentration of product, side by side deactivation, in case of side by side deactivation, impurity get in the feed deposited on the catalyst which can be represented as, catalyst पे represent होगा वो, so इसको और एक तरीके से अपन कर सकते हैं, A gives P और P gives P, ये भी एक है, the rate of deactivation depends upon the concentration of impurity present in the field, rate of deactivation किस पे depend रहेगा, concentration of the impurity, किस प्रकार की impurity concentration की है फील्ड में, उस पर डिपेंड करेगा। अभी इंडिपेंडेंट डीएक्टिवेशन, इंडिपेंडेंट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट डीएक्टिवेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा, ड्यू टू डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड दैट इज द ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये ड्यूरिंग होंगी रिएक्शन की, सो दिस इज द इंडिपेंडेंट, क्या होगा एक बार और एक बार समझा रहा हूं अच्छे से सुनिएगा, इंडिपेंडेंट डीएक्टिवेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होंगे, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, इन डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड इट इज द स्पेंड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये इंडिपेंडेंट। आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको क्या करना है, पूरे टाइप्स लर्न करने, इसके कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन मीन्स क्या होता है ये लिखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट एंड एक्सपेरिमेंट टाइप्स एंड मैकेनिज्म्स, तो आपको क्या करना है, टाइप्स, पहले तो आपको कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन मींस क्या होता है वो बताना है, उसके बाद उसके टाइप्स बताने, फिर उसके बाद ये मैकेनिज्म बताना है और रिएक्शन थोड़ी सी बतानी है उनको कि कैसा होता है करके, बस आपको इतना भी लिखे तो आपको 4 से 6 मार्क मिल जाएंगे, इस 4 से 6 मार्क के लिए कुछ नहीं, मैं 4 या फिर 6 मार्क के बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है आपको मेरा यह समझाना अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा होगा तो मेरे को कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों, नहीं समझा होगा तो मैं आपको कंप्यूटर के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों, मैं अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को पूछिए दोस्तों, बिंदास होके पूछिए, मैं बताऊंगा, तो इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ और एक नेक्स्ट के साथ, अब तक एंजॉय।